दीदी भैया को नमस्ते। रीता ब्लॉग चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। जो दीदी भैया हमारे चैनल पे नए होंगे, चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना मत भूलिएगा। शुरू से अंत तक वीडियो जरूर देखना, आप सबको अच्छा लगेगा। रियांश टाटा का वाला, रियांश टाटा कर लो। रियांश हमारा इधर थक रहे हैं दोस्तों, टाटा करते हैं, ये भी बोलते हैं लेकिन इस समय नहीं बोल रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर है छप्पर का घर है, देख लीजिए कितना अच्छा लग रहा है। और एकन का पौधा, अभी हमारा गला सही से ठीक नहीं है, मैं बोल नहीं पाती हूँ, आवाज हमारा बहुत सफा नहीं आ रहा है। देख लीजिए यहाँ का कुछ, मैं आप सबको यहाँ का दूध का पौधा है। दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर देखना, मैं अपने शादी के बारे में बातें कुछ बताई हूँ। एकन का पौधा बहुत अच्छा से इसका सब्जी बनता, हमारे यहाँ पर बनाते हैं। वीडियो का काम है तो करना पड़ेगा किसी न किसी तरीके तरह से, चाहे तबीयत ठीक रहे या ना रहे। ये तो आज हमारा वीडियो भी लेट जाएगा, मैं बना नहीं पा। बहुत अच्छा से फूल फुलाता है ये, इसका कलर बहुत अच्छा, अभी फुला नहीं रहा है। यहाँ पर तुलसी का पौधा लगा हुआ है, और यहाँ पर गेंदा का पौधा है, और यहाँ पर गुलाब का भी पौधा लगाए हैं, छोटा छोटा है दोस्तों। यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है फूल, कितना सुंदर लगता है इसका कलर, ये पौधा हमें बहुत प्यारा लगता है। दोस्तों हमारे घर के सामने माता का स्थान है, ये समय मैया है, देख लीजिए कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ का आसपास का मैं लोकेशन दिखा रही हूँ दोस्त, हमारा तबीयत नहीं ठीक है, मैं इसलिए मैं वीडियो सही से नहीं बना पाती हूँ, कोशिश करूँगी अगले वीडियो। हाँ माता का मंदिर है, यहाँ पर पहले पुराना मिट्टी का घर था, यहाँ पर टूट गया है, वहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ का लोकेशन। हमारे गांव में पेड़ पौधा बहुत है दोस्तों, मैं किस तो इस समय हमारा तबीयत नहीं ठीक है, खांसी आ रहा, मैं बोल नहीं पाती हूँ, बोलने गला ठीक नहीं है, मेरा आवाज़ निकलता नहीं है, मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ, बहुत परेशान हो गई हूँ। हमारा पूरा काम ऐसे ही पड़ा रहता, मैं कपड़ा भी अपना नहीं धुल पाती हूँ। मैं वहाँ पर बाल्टी में रखी हूँ, किसी न किसी तरह मैं आपके सामने बैठी हूँ, मैं यहाँ अपना कपड़ा एक बाल्टी भर कर रखी हूँ। यहाँ पर हमारा ये साड़ी है, यहाँ पर रखी हूँ, मैं धुल नहीं पाती हूँ। हमारा तबीयत जब ठीक हो जाएगा तभी मैं इसको कपड़े को धुलूँगी, हिम्मत नहीं करता है लोगों। इस समय मैं आज वीडियो ज़्यादा नहीं भेज पाऊँगी, कोशिश करती हूँ वीडियो बनाने का तो बना नहीं पाती हूँ। हमारा यहाँ पर तबीयत हमारा ठीक नहीं है, यहाँ पर ये नल का ख़राब हो गया है, इसका वसा यहाँ पर निकल गया है, नल का ख़राब हो गया है, पानी के लिए भी दिक्कत हो रही, नहाने में दोस्तों कितना परेशानी आ गया है, क्या क्या बताएँ। हर हमारा तबीयत नहीं ठीक है, और हमारी दादी जी एक्सपायर इसी समय हो गई हैं, इतना परेशानी हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा दोस्तों। हमारा तबीयत ठीक हो जाता जो हमारे छोटे ससुर जी का नल है, हम सब यहाँ पर नहाते हैं दोस्तों। ये जो नल है यहाँ पर, हमारा नल नहीं है, हमारे छोटे ससुर जी का है, यहाँ पर मैं नहा लेती थी, जब वो रोक देंगे तो कहाँ नहाएंगे, इस समय इनको इनका नल भी ख़राब हो गया, मैं कहाँ नहाऊंगी, दिक्कत बहुत हो रही है, परेशानी है दोस्तों, क्या करें। हमारा घर परिवार अच्छे सही सलामत रहे तो जितना है मैं इतने में खुश हूँ। मैं बताऊंगी तो आप सब सोचेंगे कि झूठ बोलती हैं, वाह कितना हम परेशानी, कितना दिक्कत है, मैं आप सबके सामने शेयर भी नहीं कर सकती हूँ। इतना हमारे सब्सक्राइबर हैं जो हमारे वीडियो देखते हैं, जो दीदी भैया हमारे अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, उनको माता रानी हर मनोकामना पूरी करे। जहाँ रहे आप सब दोस्तों, जहाँ आप सब बहुत खुशहाल रहें, मैं माता रानी से ही प्रार्थना करती हूँ, आप सब जहाँ रहें खुश रहें, मैं आप सबका पैर छूती हूँ। हमारे बातों में जो गलती होगा तो दोस्तों हमें माफ़ करना,
अभी तो तबीयत नहीं ठीक है। इस समय सब लोग हमारे घर में बीमार हैं, अंश को बुखार है, हमें भी बुखार हो गया, हमारे श्री अंश को हो गया था। अंश का तो कभी कभी चढ़ जाता है बुखार, अंश श्री अंश का तबीयत तो ठीक हो गया है, अब हमें ये दिक्कत है दोस्तों, हमारा तबीयत नहीं ठीक हो रहा है। दवा तो खा रही हूँ आराम, कभी जब दवा का असर होता है तभी मैं ठीक रहती हूँ, जब दवा का असर चला जाता है तो फिर हमारा तबीयत खराब हो जाता है। मैं इस समय काम कुछ नहीं कर पाती हूँ, खाना भी नहीं अच्छा लगता है दोस्तों, खाने में पानी पीने का मन नहीं करता, पानी खाना कुछ भी खाने का मन नहीं करता। प्रॉब्लम है कि हमारा बीपी लो रहता है, इसलिए हमें चक्कर आती है, तो डॉक्टर बताएं दोस्तों नमक आप ज़्यादा खाएं। दोस्तों जब से हमारे यहाँ पर शादी हुआ मैं यहाँ पर आई हूँ, ससुराल में भी सुख नहीं मिला। यहाँ पर जैसे आई यहाँ पर सब लोग हमारे पटीदारी करने लगे हर काम का, हमें बहुत जल्दी सब लोग बांट कर अलग कर दिए। इतना दिक्कत परेशानी मैं झेल रही हूँ, अभी हमारा शादी ज़्यादा दिन हुआ नहीं है। दीदी के चैनल में देखे होंगे दोस्तों, मैं पहले भी मोटी थी, इस पहले इतना दिक्कत नहीं था, अब तो बहुत परेशानी हो गई है। हमारा दोस्तों अभी 2017 में हमारी शादी हुई थी, 13 मई का था शादी हमारा, और 16 मई को विदाई था हमारा। 2017 में शादी हुआ था दोस्तों, तो गया जब से हमारी शादी हुई है तब से दोस्तों मैं यहाँ पर अपना, यहाँ पर भी दिक्कत था हमारे मायके में भी। हमारे मायके के बारे में आप सबको जानते होंगे दोस्तों, हमारी दीदी बताई थी, हमें तो कुछ बताने का ज़रूरत नहीं है, दीदी हमारी सब अपनी बातें बताई हुई हैं, तो मैं इसलिए नहीं बताती हूँ। हमारा शादी हमारे नाना जी, हमारे नानी जी करी थी, हमारे पिताजी इंस्पायर हो गए थे, हम सब छोटे छोटे दोस्तों बचपन में ही हमारे पिताजी का देहांत हो गया था। हमारी नानी और नाना जी हमें इतना पाल पोस कर पढ़ाए लिखाए दोस्तों, शादी विवाह हमारे नाना जी ही किए थे, जैसे किए थे वो अपने लिए अच्छा ही किए थे। हमारा यहाँ पर शादी हुआ है दोस्तों, यहाँ पर फैमिली बहुत बड़ी है, बहुत दिक्कत हो रही है, आप सब जानते हैं दोस्तों बड़ी फैमिली में कितना परेशानी, बड़ी फैमिली में झगड़ा लड़ाई बहुत ज़्यादा होती है आप सब तो जानते हैं। दोस्तों हमारे पति 4 भाई हैं और हमारे सास ससुर जी कोई भी हमारा सपोर्ट नहीं देते हैं दोस्तों, हम सब हमारा पति जो मेहनत मजदूरी करते हैं वही जो कमा पाते हैं बस उसी में गुजारा करती हूँ दोस्तों। दोस्तों अभी हमारे 2 बेटे हैं छोटे छोटे, मैं भी कुछ काम कर नहीं पा रही हूँ इसलिए मैं यूट्यूब पर वीडियो बनाई, दोस्तों हमारा वीडियो देखते होंगे, मैं कोई अच्छी से रेसिपी खरीद कर बना नहीं पाती हूँ, उतना बनाने का रेसिपी भी पैसा भी नहीं रहता है, किसी न किसी तरह मैं जो भी रहता वही बना कर दिखाती हूँ, तो हमारे बात तो मुझे गलती होगा तो माफ़ करना। तो हमारी दादी का रोटी पानी करने में सब लोग मिलजुल कर देना पड़ेगा, मैं किसी न किसी तरह चाहे कर्ज से या सुतही से पैसा ज़रूर देना पड़ेगा। हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो में कोई गलती होगा तो माफ़ करना, मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।